हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे यानी सब ठीक हैं? बढ़िया हैं? तो सबको पहले ईद मुबारक। और क्या है भाई आज? द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा, रोहित शर्मा और अच्छा रोहित शर्मा एंड श्रेयस अय्यर आए हैं भाई। एपिसोड न्यू आया भाई। अय्यर किसी और का नाम है। Where are you from? Ayer. Oh, ये क्या बोल रही हैं? What we have to do, निर्मला? चल तू कर। आप देखो, आप पहली बार आप हमारे शो पे आए हो। अब ये 192 कंट्रीज में आता है। अच्छा, सबका मैच देखने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग तो पूरा मैच देखते हैं, कुछ लोग लास्ट के 10 ओवर देखते हैं, कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले टीवी ऑन कर लेते हैं और मैच खत्म होने के 1 घंटा बाद भी बैठे रहते हैं, हाईलाइट्स देखते रहते हैं कि जैसे हाईलाइट में अलग हो जाएगा कुछ। फिर ऐसे लोगों का टीवी होता है ना, जो उसमें से रवि शास्त्री खुद बाहर आके बंद करता है। लोग इमोशन में आके कुछ भी बोल देते हैं। एक दिन दिनेश बोल रहा था, ये अपना गिटार वाला बोलता, अगर आज इंडिया मैच जीती है तो पार्टी मेरी तरफ से। अच्छा, ना तो इसको जीतने पे पैसे मिलने वाले, ना इसका कोई रिश्तेदार टीम में है। टीम में छोड़ो, स्टेडियम के बाहर सिंगाड़े का ठेला भी नहीं लगाता। लेकिन इमोशन है। देखो, आप क्रिकेट का क्रेज इतना है ना कि हम लोग घर की टेंशन भूल जाते हैं, मैच की टेंशन में लगे रहते हैं। ये अपना आकाश है ना, तबले पे जो पीछे बैठा हुआ, फुल स्लीव मुझे रख के, ये एक दिन मैच देख के बोल रहा था, यार आज विराट नहीं चला। पीछे इसके दादा ने चप्पल निकाल के मारी। कहता, कमबख्त, 10 साल से मैं नहीं चल रहा, मेरा गठिया का ऑपरेशन नहीं करवा रहे। विराट नहीं चला, तेरे दोनों तबले मैं तोड़ता हूँ। ये पॉलिटिकल रैली हो रही है। अब तो आप सुपरस्टार हैं, लेकिन जब आप इंडियन टीम में नहीं आए तो उसके पहले आपको ऐसा सुनने को मिलता था कभी पेरेंट्स से या मोहल्ले वालों से, यार सारा दिन कुछ करते नहीं, खेलते रहते हो? जितने भी लड़के आज टीम में खेल रहे हैं और जिन्होंने खेला हुआ है पहले भी जी, शुरुआत में किसी को पता नहीं होता कि आप देश के लिए खेलने वाले हो। राइट। जब आप छोटे उम्र के होते हो तो आप खेलते रहते हो गलियों में, अपने यहाँ वहाँ मोहल्ले में, नेबर्स के विंडोज़ कांच तोड़ते रहते हैं। तो ये हम सब करते हैं। तो हम धीरे धीरे मोहल्ले में स्टार बने, फिर स्कूल में गए, स्कूल में खेला अच्छा, फिर उसके बाद एक एक लेवल ऊपर चलते गए। बहुत बहुत मुबारक आपकी तमाम अचीवमेंट्स के लिए। You want to ask something from our place? Yes, we are all huge fans of you guys. We have danced for so many of your sexes and fours, so we would love if you would dance with us today. Oh! ये क्या है भाई? कमला, तुम इधर आ जाओ। Like a pan? शांति रहते हैं। हाँ। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आपने किसी के पैसे कटते देख लिए थे? नहीं, जब माइक में आप जो सुनते हो, हाँ, कैप्टन से वैसा बात आते रहता है, तो फिर ऑब्वियसली आप ऑन टोज रहते हो और जितना हो सकता है उतना अच्छा करने को देखते हो, तो इसलिए तब कभी कभी शांत रहने में बहुत ही पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे ना हमारे रिश्तेदारों के बड़े फोन आते, जैसे हमारा शो चल रहा था, बोलते कि यार 5 मिनट का कुछ करवा दो टीवी में। हम कभी करवा भी देते हैं। आप क्रिकेटर हैं, आपके रिश्तेदार कभी आपको फोन करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा खेलता है, इसका करो कुछ? ऐसा होता है आपके साथ? बहुत बहुत होता है। हर जगह से कॉल आते रहते हैं। मतलब अगर हम लोग किधर बाहर ऐसे ही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं आप? हाँ, शौकीन है लड़का पूरा। तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब जो उधर काम करते हैं उनके बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि ये इसको एक अच्छे लेवल पे खिलाना है तो किसके पास भेजे, कौन कोचेस है, आप छोटे से कहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, तो ऐसा बहुत रिक्वेस्ट आते रहते जैसे आपने पूछा। और जब आईपीएल होता है तो पास के लिए नहीं फोन आते, जैसे भज्जी पा को मैंने बोला था, कहता मैं 3 दिन पहले फोन बंद कर लेता हूँ। डीएनडी तो आप कैसे फिर मैनेज करते हो? पास रिप्लाई नहीं, बिल्कुल रिप्लाई नहीं। नहीं ये सही तरीका है, मैं तो मैं अपना नंबर ही चेंज कर लेता हूँ। कभी कभी होता है ना कि मिस फील्ड हो गया, कुछ कैच छूट गया, तो कई लोग फिर मैच के बाद बहाने भी लगाते हैं, यार मैं एकदम सूरज पड़ गया था भाई आँख में, तो कैच तो नहीं जाता। बहाने कौन लगाता है ज़्यादा? एक्चुअली तो सभी लगाते हैं क्योंकि बचपन से खेल रहे हो क्रिकेट, मैदान में खेलते हो, धूप तो रहता ही है। हाँ। आपको पता है धूप है। हाँ। इसीलिए सनग्लासेस पहनना ज़रूरी है। अगर आप कैच छोड़ने के बाद अगर ये एक्सक्यूज़ दोगे कि अरे नहीं यार धूप आ गया है, तो सनग्लासेस और ऊपर लगा हुआ है कैप के। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली एज अ कैप्टन मुझे पता है कि कितना दुख होता है अगर कोई ऐसा आके अगर आपको एक्सक्यूज़ देगा। तो मैं अपने आप को उस सिचुएशन में रखता हूँ कि जब मैंने 1-2 बार ऐसे किया था। तो ये कॉमन सेंस है, ये तो होना नहीं चाहिए। बट हाँ, अभी आपको अय्यर भी बता सकता है कि इसने कितने बार किया है। रीजनिंग तो होता ही है, कभी कभी आपको बचाना रहता है अपने आप को। और फिर थोड़े जैसे आप माइक में सुनते हो वैसे सब चीज से अगर आपको बचाना है तो थोड़ा रीजनिंग बनता है। Where there is a way, there is a no way, no highway, no subway. Invention is the mother of necessity, and Mohan is the father of my bestie. By shufaku mushaku tufaku hur hur, shufaku mushaku tufaku hur hur, pichak dun dun hur hur hur. Commentary आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ कर दो। यहाँ तो लगता पहले कोई करके गया हुआ। सुबह मेरे जूते पे भी लग गई थी यहाँ, किसी ने की हुई थी कमेंट। LBW आउट। तेरी जब एंट्री थी तब तूने कुछ किया नहीं। आउट। मेरे बॉल ना मार, मेरे पास अपनी 2 हैं, मैंने मार दी। शुरू करते हैं। मेरा पार्टी है क्या? अभी शूटिंग चालू है कि नहीं? लगे हुए हैं। ये कमेंट्री बॉक्स है या डीजे पे जाना है? कपड़ा पाओ और लगा। हाँ भाई, ये हमारे बहुत ही खूबसूरत बॉलर जा रहे हैं। ओ वो बॉल फेंक रहा, मरा नहीं वो। यार कुछ ऐसा म्यूजिक दो जो ऐसा मन करे दौड़ने का, वैसा। ओ मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बॉलर, कहाँ भागोगे? मैं कहता हूँ रिक्शा कर लो। ऐसा कुछ म्यूजिक दो जो हमारी पर्सनालिटी से मैच करे। कम ऑन। भाई देखो, मैं कहता हूँ उसने म्यूजिक दे दिया, लगे आज तुम भी दूध दे दो। आउट कर दिया, आउट। वाह भाई वाह। अभी मेरी बॉलिंग का टाइम है। एक मिनट यार, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये बॉलर से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं। जहाँ पे श्रेयस खड़े होते हैं उनके आगे कोई भी खड़ा नहीं होता। मैं मतलब नहीं समझा कपिल पाजी। देखो जहाँ तक समझने की बात है, इतना समझ लो कि समझना बहुत जरूरी होता है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं। कबूतर जब उड़ता है तो लोग कहते हैं वो देखो कबूतर जा रहा है। हुर, हुर, उई। धागे में डाल देंगे सुई। ये कोई बात नहीं बनी, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही सुंदर तरीके से आज ये जो मैच हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं? सिद्धू जी, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या बकवास कर रही है यार? आप लोग जो इतनी देर से किए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा मैं भी थोड़ा कर लेती हूँ। तो मेरे बच्चे की माँ, मैं तेरे को शगुन देता हूँ, रुकते रहते मेरे शार्ट बड़ी लेवल मारी था ना। रोहित का भी अंदर होगा, वो बैटिंग करेगा, वो इसके बाद आएगा ना। हाँ, वैसे अच्छी लास्ट में कॉमेडी बहुत अच्छी होगी ना। अच्छा, ये मुझे लगता है रवि शास्त्री पर आया हुआ था ना। हाँ, मूंछों वाला नहीं, कपल देता है, कहते इधर कर दो, कहते इधर पहले किसी ने की हुई है, मेरे को लग गया। रवि शास्त्री टास्क करने आता है। कौन सा? हाँ हाँ, वो कमेंट्री में। हाँ हाँ, वही शास्त्री सिद्धू के साथ में। सिद्धू था एक और एक सिद्धू बाजी के साथ। यार बड़ा ही फनी था। बहुत अच्छा शो होता है कपिल शर्मा, लेजेंड। अच्छा, ये अब नेटफ्लिक्स पर, तो नेटफ्लिक्स ने इन्होंने ले लिया ना, अभी नेटफ्लिक्स पे चला गया मेरे ख्याल में। का इनका नया शो का नाम भी चेंज, लोगो भी चेंज आ रहा, शो का नाम भी चेंज हो गया। अब पहले द कपिल शर्मा शो था ना, अब द ग्रेट करके कुछ कर दिया इन्होंने, ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो। हां, लेकिन वो भी नेटफ्लिक्स पे, टोटली नेटफ्लिक्स पे। सोनी पे बंद। हाँ, सोनी पे बंद कर दिया। नहीं, दूसरी का सारा बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज हो गया, सारा कुछ चेंज हो गया। नहीं, नेटफ्लिक्स पे तो मैंने देखा था, कंट्री पे बैठ के नेटफ्लिक्स सारा कुछ चेंज कर दिया ना। अब उसका स्टेज भी अच्छा लग रहा है ना, आपने देखा उसका पीछे से जो स्टेज, उसका भी अच्छा था। नहीं, उसका अच्छा था, वो भी मजे का था भाई, उसने मजे किया। इसका नाम हो गया द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो। हां, द ग्रेट कपिल शो, द ग्रेट इंडियन कपिल शो। हां, रहना कपिल के नाम, कि जब कपिल है तो भाई कपिल को ही होना है इसने। तो चलें जी, अभी आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। रखिए बहुत सारा ख्याल। और ये क्यों हुआ मूव सोनी से नेटफ्लिक्स पर, कमेंट में बताइएगा।